वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से है, जहां कलेक्टर अरविंद दुबे ने शनिवार को ग्राम तीनघरा का निरीक्षण किया। बीते दिनों तीनघरा में मौसमी बीमारी के कारण कुछ ग्रामीण उल्टी और दस्त से बीमार हो गए थे, जिसकी सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर अरविंद दुबे ने तीनघरा में तत्काल मेडिकल टीम भेजा था। टीम ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार प्रारंभ कर दिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने घर घर जाकर ग्रामीणों से चर्चा किया, साथ ही मौके पर उपस्थित अधिकारियों को टैंकरों से पेयजल वितरित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर अरविंद दुबे ने बताया कि तीनघरा में मौसमी बीमारी के कारण ग्रामीण उल्टी दस्त से पीड़ित हैं, यह कोई महामारी नहीं है। रायसेन से नरेंद्र राय की रिपोर्ट। सर, आपके द्वारा ग्राम पटपरी में आज दौरा किया गया है, क्या स्थिति है? लगभग तीन दिन से यहाँ पे सीजनल जो बुखार है, उल्टी दस्त है, इस तरह की बीमार होने की सूचना मिली थी और लगातार तीन दिन से यहाँ डॉक्टर्स की टीम है, प्रशासनिक अधिकारी है, लगातार जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी ये जांच की जा रही है और तीन दिनों में ये संख्या कम हुई है। आज भी कुछ पेशेंट्स आए हुए हैं और मैंने भी इन परिवारों में जहाँ ये बीमार है उनसे बात की है। महामारी जैसी कोई चीज़ नहीं है, परंतु ये है कि मौसम के कारण और संभवतः कुछ खान पान के कारण कुछ पेशेंट, जिनकी संख्या बहुत कम है, उल्टी दस्त की शिकायतें हैं, तो उनका इलाज कर रहे हैं और पिछले तीन दिनों में संख्या तेजी से कम हुई है।